हेलो फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट ऑन योर टेबल बाय स्वाति में आप सबका स्वागत है। तो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ घर के बने मल्टीग्रेन आटे से ये यमी टेस्टी टी स्नैक्स। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप गेहूं का आटा, आधा कप बाजरे का आटा, एक चौथाई कप बेसन, एक चौथाई कप सूजी और एक चौथाई कप मक्के का आटा। तो तैयार है ना मल्टीग्रेन आटा। इसमें ऐड करिए एक टेबल स्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक थोड़ा सा कम ऐड करिएगा, आगे बताऊंगी क्यों। अब इसमें ऐड करेंगे एक टेबल स्पून क्रश की हुई अजवाइन, जिससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा, और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई और एक टेबल स्पून मैंने तिल ऐड किए हैं सफ़ेद। आप चाहे तो काले तिल भी ऐड कर सकते हैं। दो टेबल स्पून देसी घी ऐड करिए। देसी घी से स्नैक्स का बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, बहुत ही डिलीशियस। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमें एक टाइट डो तैयार करना है। तो इसके लिए हम गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब हल्का गर्म पानी। टाइट डो तैयार करिएगा, मुलायम मत करिएगा, नहीं तो आपका स्नैक्स क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो हमने आटा गूंथ लिया है, 5 मिनट आटे को रेस्ट करने देंगे। 5 मिनट बाद चेक किया, आटा बढ़िया से तैयार हो चुका है। इसे एक लॉक की तरह हमने लंबा करके कट किया है। तो हमें आधा आधा इंच की मोटाई में पीसेस कट कर लेने हैं। जब पीसेस कट हो जाएंगे तो एक पीस को आप फ्लैट करके रखिएगा और हथेली की सहायता से इसे प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए आपका स्नैक्स कितनी झटपट तैयार हो गया ना। ये हमें बेलन एलन कुछ भी झंझट नहीं करना पड़ा। इस तरीके से सारे स्नैक्स हम तैयार कर लेंगे। आप मोटाई देख लीजिए। अब करिए तेल को गरम। गरम तेल में हम तुरंत नहीं डालेंगे, पहले तेल को आप गरम करिएगा, फिर मीडियम फ्लेम पे आप इन्हें ऐड करिएगा। अब एक बार जब पलट जाइए तो इन्हें लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इन्हें तलना है। अगर आपने इन्हें हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे तला तो ये सॉफ्ट बनेंगी, आपके क्रिस्प नहीं बनेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लो फ्लेम पे धीमे धीमे इन्हें गोल्डन होने तक हमें तलना है। एक फ़ायदा इनका मैं बताऊँ, आप एक बार बनाओगे और आराम से 10-12 दिन एयर टाइट बॉक्स में इनको स्टोर करके रख के कभी भी चाय के साथ खाइए, मज़ा आ जाएगा। और आने वाले त्यौहार जैसे होली, इस समय आप इन्हें बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा। और इसमें एक खासियत हमने क्या की, हमने मैदा इस्तेमाल नहीं किया है, घर में ही मल्टीग्रेन आटे को तैयार करके ये यमी टेस्टी डिलीशियस स्नैक्स तैयार कर लिए। पलट पलट के हमने इनको सेक लिया है गोल्डन होने तक। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। गैस ध्यान रखिएगा, बिल्कुल लो होनी चाहिए। ये देखिए सिक चुके हैं, इन्हें आप निकाल लीजिए और हल्का सा ठंडा होने दीजिए। गुनगुना, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, मैं बताऊंगी क्यों। अब इसके लिए हमें क्या करना है, एक मसाला तैयार करना है। तो मैंने एक छोटा चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच चाट मसाला, एक चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक छोटा चम्मच खटाई इस्तेमाल की है, अमचूर। इन सब चीज़ों को मिक्स करके हमने चटपटा मसाला तैयार कर लिया है। इस मसाले से हम इसमें लेंगे एक ट्विस्ट। क्या, जब ये गुनगुनी होंगे स्नैक्स, उसी समय ये मसाला आप ऊपर से इनके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिएगा। किसी बोल में हमने डाल के इनको स्प्रिंकल किया और अच्छे से मिक्स कर लिया है, जिससे मसाला अच्छे से स्नैक्स के ऊपर कोट हो जाए। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं नमक कम इस्तेमाल कर रही हूँ शुरुआत में, इससे ऊपर से ये जो मसाला लगेगा इसके ऊपर तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो इस तरीके से आप भी ये टी टाइम स्नैक्स तैयार कर लीजिए। एक तरफ चाय बनाइए, एक तरफ ये बनाइए, है ना इजी इतना, और कितने कम टाइम में तैयार हो गया। तो जल्दी से बना लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।